अगर हम लोग रोज इस तरह से मेडिटेशन करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन और बढ़ेगा, जिससे हम अपने माइंड और बॉडी पे अच्छा कंट्रोल रख सकेंगे। किको की इस बात को टू वर्ड्स में कहते हैं, वेरी ट्रू। वेरी ट्रू से भी ज्यादा ट्रू, सुपर डुपर ट्रू। इसी बात पे खा लेता हूँ पेरू। अयो, ये कर्राटा कौन मारते जी? अयो, मेयर तो ध्यान लगाने के बदले शान से सो गया जी। ए मेयर, उठो जी। ईश, भूकंप आया, भूकंप आया, भागो मम्मी। ओ मेयर अंकल, अर्थक्वेक नहीं आया है, बल्कि टेम्पो अन्ना ने आपको जगाया है। आप मेडिटेशन करते करते सो गए थे। ईश, कभी कभी मुझसे गलती से मिस्टेक हो जाता है। कभी कभी नहीं, हमेशा होता जी। अच्छा चलिए, आप लोग फिर से अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान लगाइए। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। सन सिटी में बहुत धूल जम गई है, जिसे साफ करने के लिए थोड़े पानी की नहीं नहीं बहुत सारे पानी की जरूरत है। एक बहुत भयंकर एक्शन फिल्म बनने वाली है, तो रिकॉर्डिंग तो बनती है। अब जब तक किको और सुपर स्पीडो इस सुनामी से सनसिटी को बचाएंगे, तब तक मैं अपना काम आराम से खत्म कर लूंगा। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। आयो, मुसीबत नहीं जी, मुसीबतों का तूफान बोलो। तुम्हारे पीछे देखो जी। चलो चलो आ जाओ। उरी मुरी मदर, कितना सारा पानी आ रहा है यहाँ पर। इसी बात पे आज थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जो आ रहा है उसे वर्ल्ड में कहते हैं सुनामी। ईश, मम्मी बचाओ, मैं सुबह नहा के आया था, मुझे फिर से नहीं नहाना। किको, कुछ सोचो। लगता है अब मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुनामी की लहर को सन सिटी में तबाही मचाने से रोकना होगा। यस ब्रो, मगर इतनी बड़ी लहर को रोकेंगे कैसे? R7 फिर से ब्लिंक हो रही है, और इस बार सिग्नल डॉक्टर खुराना की जो सन सिटी के बाहर लैब है वहाँ से आ रहा है। शायद वहाँ कोई चोरी हो रही है, तो चले डॉक्टर खुराना के लैब। हमें सन सिटी के लोगों को सुनामी के रास्ते में आने से बचाना होगा। हाँ,
फॉर्मूला नंबर 999। वाह कीको, तुम्हारा दिमाग तो मेरी जेट स्पीड से भी ज्यादा तेज है। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 999। हमने सभी सन सिटी वासियों को सेफली माउंटेन तक पहुंचा दिया है। चलो अब हम भी निकलते हैं। नहीं सुपर स्पीडो, अब भी कोई बाकी है, वो देखो। सन सिटी से सुनामी को निकालने के लिए उसे रास्ता देना होगा। वो जो सामने पहाड़ है उसके पीछे समंदर है। तुम एक काम करो, फॉर्मूला नंबर 38 लगा के उस पहाड़ को काट के रास्ता बनाओ, ताकि सारा पानी सन सिटी से बाहर निकल के उस समंदर में चला जाए। यस कीको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 38। समझ में नहीं आ रहा कि सुनामी ऐसे अचानक कैसे आ गई। मेरे अंकल, सुनामी ऐसे अचानक ही आती है। जब भी सी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उथल पुथल की वजह से सी का सारा पानी सुनामी बनके सी के बाहर निकलता है। समझ गया, जैसे भूख लगने पे जब मेरा पेट उथल पुथल होता है तो खाने के लिए मेरे पेट से कुछ ना कुछ बाहर निकल आता है। ये क्या है? लगता है किसी डिवाइस का पार्ट है ये। अरे ये तो किसी टॉरपीडो का हिस्सा है। अयो, अब ये टॉरपीडो क्या होता है जी? टॉरपीडो एक तरह का बॉम्ब होता है जो सबमरीन में यूज किया जाता है। करेक्ट, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि टॉरपीडो का हिस्सा यहाँ क्या कर रहा है। लगता है किसी ने टॉरपीडो को सी के अंदर ब्लास्ट करके ये सुनामी लाई है। लेकिन कीको, वन वर्ड में पूछूं तो व्हाई? शायद मेरा और सुपर स्पीडो का ध्यान भटकाने के लिए। अरे हाँ, R7 की डेंजर लाइट डॉक्टर खुराना के लैब की ओर इशारा कर रही थी। चलो सुपर स्पीडो, वहाँ चल के देखते हैं। हम भी चलेगा जी। अयो, उधर इतना बड़ा सुनामी आया और ये इधर स्टैचू खेल रहे जी। डॉक्टर कोरोना, स्टैचू ओवर जी। हेलो, अरे कुछ तो बोलो जी। चोर चोर चोर, मत मचाओ इतना शोर। पहले बताओ तो कि चोरी क्या हुआ है? मेरा एटॉमिक मशीन। एटॉमिक मशीन, वो क्या होता है डॉक्टर खुराना? किको, एटॉमिक मशीन एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है जिसका अगर सही इस्तेमाल करे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। और अगर गलत इस्तेमाल किया तो वो एक बहुत ही डेडली और खतरनाक बॉम्ब बन सकता है। ओरी मोरी मदर, बॉम्ब सुन के आ गए मुझे चक्कर, कुछ खा लेता हूँ। यानी मेरा अंदाजा सही था, किसी ने पहले सुनामी लाके मेरा और सुपर स्पीडो का ध्यान भटकाया और मौका देखकर डॉक्टर खुराना की लैब से वो एटॉमिक मशीन लेकर भाग गया। लेकिन अब हम उस चोर को ढूंढेंगे कैसे? एक तरीका है, उस एटॉमिक मशीन को एक्टिवेट करने के लिए एक की जरूरत होती है। वो की आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मेरे पास आने वाली है, इनफैक्ट अब तक निकल चुकी होगी। उस की के बिना वो एटॉमिक मशीन किसी काम की नहीं है। मुझे यकीन है एटॉमिक मशीन को चुराने वाला उस की को भी चुराने की कोशिश जरूर करेगा।
इसका मतलब हमें अभी के अभी उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए निकलना होगा। यस ब्रो, लेट्स गो। हाँ हाँ देखा। हाँ? भाई साहब, जरा संभल के, आगे ऑयल पड़ा है रोड पर। कहाँ पर? यहाँ पर। All is well, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। All is well, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। सुनिए मिस्टर, आपको पता है ना कि आप जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है। ओ, टिको और सुपर स्पीडो आ गए अपना ज्ञान बांटने। लगता है मेरी भीजी सुनामी से सबक नहीं मिला तुम्हें, जो फिर आ गए मुझसे उलझने। आप हैं कौन और आप चाहते क्या हैं? अरे बच्चे, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ ऑयल किंग, जो घर में घुस जाए बिना बजाए रिंग। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। सॉरी ऑयल किंग, वो तो तुम्हें नहीं मिल सकता। मिलता उन्हें नहीं है जो मांगते हैं, मैं तो छीनने वाला हूँ। अब मुझे पता है कि बिना पकड़ा पकड़ी खेले तुम दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो लो इसी बात पे मेरा धप्पा। इस पकड़ा पकड़ी से मैं बोर हो गया हूँ। इट्स टाइम टू से गुड बाय। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। रोड पे पड़े ऑयल की वजह से हम स्लिप हो रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 44 लगा के जल्दी से टायर्स पे एंटी स्किड कोटिंग चढ़ा लो। फैंटास्टिक आइडिया किको, अप्लाई फॉर्मूला 44। पकड़ा पकड़ी बहुत हुई बच्चे, अब घर जाके लूडो खेलो। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। किको, डैमेज ज्यादा हो गया है, ऑटो रिपेयर में टाइम जाएगा। नो प्रॉब्लम सुपर स्पीडो, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ फिर निपटेंगे ऑयल किंग से। मगर अब हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? की तो उनको मिल गई है। किको और सुपर स्पीडो, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। इस वक्त ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। ये तो बस एक नमूना है। अगर 24 घंटे के अंदर दुनिया के सभी ऑयल वेल्स मेरे नाम नहीं किए गए तो मैं अंटार्कटिका के बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों में एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दूंगा, जिससे इस बार पानी का नहीं बल्कि बर्फ का सुनामी आएगा और पूरी दुनिया उसमें डूब जाएगी। फिर जो हाल सेंसिटी का हुआ है उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल पूरी दुनिया का हो जाएगा। मैं सारी कंट्रीज को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अपने अपने तेल के कुएं मेरे नाम कर दें।
तमाम कर दूंगा। ऑल इज वेल, लेके रहूंगा मैं ऑयल का वेल। ओह नो, हमें ऑयल किंग को किसी भी कीमत पे रोकना होगा। मगर अभी वो होगा कहाँ? ईश, मुझे पता है, वो जरूर अंटार्कटिका में कहीं छुपा होगा। हाँ, हे आयो, इतना बड़ा अंटार्कटिका में तुम उसको ढूंढेगा किधर जी? All is well, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। किको, उस एटॉमिक मशीन में जीपीएस सिस्टम लगा है, जो तभी एक्टिवेट होगा जब कोई उस सिस्टम में की डाल के सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। डॉक्टर खुराना, मैं और सुपर स्पीडो अंटार्कटिका के लिए निकलते हैं। जैसे ही ऑयल किंग उस एटॉमिक मशीन को एक्टिवेट करेगा, आप उसकी जीपीएस लोकेशन सुपर स्पीडो को भेज देना। ओके किको, लेकिन याद रहे, अगर उस एटॉमिक सिस्टम को किसी ने एक्टिवेट करके टाइमर ऑन कर दिया, तो फिर वो दोबारा उसी की से डीएक्टिवेट होगा। गलती से भी उसको बिना की के डीएक्टिवेट करने की कोशिश मत करना, वरना वो एटॉमिक बॉम्ब की तरह तुरंत फट जाएगा। श्योर डॉक्टर खुराना, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। चलो सुपर स्पीडो। यस ब्रो, लेट्स रॉक एंड रोल। चौबीस घंटे का टाइमर सेट कर देता हूँ। अगर दुनिया के सारे ऑयल वेल्स मेरे नाम नहीं हुए, तो पूरी दुनिया को डुबा दूंगा उन कुओं के साथ। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। उस एटॉमिक मशीन का जीपीएस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, मैं अभी उसकी लोकेशन सुपर स्पीडो को भेजता हूँ। किको, उस एटॉमिक मशीन का एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया है। तो फिर चलो उसे फॉलो करते हैं। ऑयल किंग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम प्लीज उस एटॉमिक मशीन को हमारे हवाले कर दो। तुम जो कर रहे हो वो बहुत रॉन्ग है। एंड वी फाइट फॉर राइट, क्यों किको? अच्छा, तो लोग करो फाइट। ऑल इज वेल, मुझे चाहिए ऑयल का वेल। तुम दोनों से मैं तंग आ गया हूँ। जब देखो तब मक्खी की तरह मंडराते रहते हो। बार बार मुझसे उलझने की सजा अब मैं तुम्हारे साथ साथ पूरी दुनिया को दूंगा। अब ये एटॉमिक बॉम्ब 24 घंटे बाद नहीं बल्कि 5 मिनट के बाद फटेगा। All is well, अब डूब जाएंगे सारे ऑयल के वेल। किको, क्यों ना हम इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करें? नहीं सुपर स्पीडो, डॉक्टर खुराना ने कहा था कि बिना की के बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होगा। हमें किसी भी हालत में ऑयल किंग से वो की छीननी पड़ेगी, वो भी 5 मिनट के अंदर। जल्दी चलो। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 996। ओके किको। Oh,
ऑयल किंग, मुझे वो की वापस कर दो। किको, तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें की नहीं बल्कि किक मिलेगी, वो भी जोरदार किक। सुपर स्पीडो, तुम जल्दी से जाके वो एटॉमिक मशीन यहाँ ले आओ, तब तक मैं वो की ऑयल किंग से छीनता हूँ। तुम लटके रहो कि को, मैं चला, अब उस बॉम्ब को कोई डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। अब लगता है मुझे अपनी ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बर्फ में जमी चाय को उबलती कुल्फी में डुबो के पीने का वक्त आ गया है। मतलब सर, पहले में कह रहे हैं यू आर अंडर अरेस्ट। ये लीजिए डॉक्टर खुराना, अब आप इन्हें और भी सेफ्टी के साथ रखिएगा ताकि कोई इसे फिर से ना चुरा सके। थैंक यू। चुरा भी लिया तो कोई बात नहीं, हमें यकीन है कि किको और सुपर स्पीडो के होते सिर्फ सनसिटी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे कोई आंच नहीं आ सकती। हा, 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 हा।